दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ज़्यादातर लोग किसी ना किसी से प्यार करते हैं, फिर वे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां। इनमें काफ़ी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो शर्म संकोच या किसी कारण से पसंद आई लड़की या लड़के को प्रपोज नहीं कर पाते या नहीं कर पाती। इसमें काफ़ी लड़के लड़कियों के प्यार का बीज उनके दिल में अंकुरित होकर ही रह जाता है, कुछ तो रिजेक्शन के डर से, तो कुछ अपनी शर्म और संकोच की वजह से, तो कुछ अन्य बातों को सोचकर पसंद आई लड़की या लड़के से आई लव यू नहीं बोल पाते, यानी कि अपने दिल का हाल भी नहीं बता पाते या नहीं बता पाती, और तब तक उनके सपनों की रानी किसी और की हो चुकी होती है। चलो बताते हैं कि यदि आप भी पसंद आई लड़की से आई लव यू नहीं कह पा रहे हैं, कितना भी साहस जुटाते हैं, फिर भी आपने अभी तक उसे प्रपोज नहीं कर पाया है, तो कैसे कर सकते हैं, किस आसान तरीके को अपना सकते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन, दोस्तों आप जिस लड़की को चाहते हैं लेकिन उससे आई लव यू बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं, तो उसे जब भी देखें तो उस लड़की को यह एहसास करा दें कि आप उसे लाइक करते हैं। यदि उसके देखते ही आपने अपनी नज़रें चुरा ली या झुका ली, तो वह आपके देखने को महज एक संयोग भी समझ सकती है। यदि आपकी नज़रें उसकी नज़रों से मिल जाती हैं तो अपनी नज़रें मिलाए रखें, झुकाएं नहीं, क्योंकि लड़कियों को यह बात समझते देर नहीं लगती कि कोई लड़का उनसे क्या चाहता है, क्योंकि लड़कियों में नज़रों के सहारे किसी को परखने की प्राकृतिक क्षमता गजब की देखने को मिलती है। सेकंड नंबर, जिस लड़की को आप पसंद करते हैं तो बातों ही बातों में उसकी बड़ाई करना ना भूलें। जैसे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारे होंठ बहुत प्यारे लगते हैं, तुम्हारी आँखें बहुत सुंदर हैं, कुल मिलाकर आपको उसमें जो कुछ भी अच्छा लगता है उसकी बड़ाई खुलकर करें। थर्ड नंबर, दोस्तों जो कुछ भी आप अपनी जुबान से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो वही बातें इमोजी, मैसेज, किसी पिक, सरप्राइज या गिफ्ट से भी कह सकते हैं। इसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अपनी आंखों का सहारा ले सकते हैं। फोर्थ नंबर, जब भी आप कोई छोटे बड़े फैसले लें तो उसकी राय अवश्य लें, उससे नज़दीकियाँ बनाने की कोशिश करें। आपको उसके साथ वे सभी जिम्मेदारियां निभानी हैं जो केवल एक बॉयफ्रेंड ही कर सकता है। फाइव नंबर, उसे जब भी मिलें तो उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करें कि उसके साथ रहने पर आपको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि उससे यह भी कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ होने पर कब समय बीत जाता है यह तो मुझे पता भी नहीं चलता। अगर आप पसंद आई लड़की को इतना कह देते हैं तो उस लड़की को समझते देर नहीं लगेगी कि आप उसे प्यार करने लगे हैं और प्रपोज करना चाहते हैं। इससे आपकी रास्ता सरल हो जाएगी और वह भी आपको अपनी ओर से कई सारे संकेत देने लगेगी या खुलकर कह भी सकती है।